एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन का समाकलन। ऐसे समाकलियों का समाकलन करने के लिए अंश और हर को एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं। तत्पश्चात पहले समाकल्य में x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी तथा दूसरे में x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी रखते हैं और आगे हम सरल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए और फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका समाकलन करने के लिए हम यह मान करके चलते हैं कि दिए गए फलन का समाकलन i है और फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन देन dx। ऐसे प्रश्नों में हम किस प्रकार हल करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करते हैं पूर्व में हम देख चुके हैं। तो इसके लिए हम अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो लिखेंगे कि अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, तो अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तब ये कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हर में जो राशि दिखाई दे रही है इसे हम पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करेंगे, वो कुछ इस प्रकार, अंश में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और फिर ये डी एक्स। देखिए ये है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये वाला पद आपको देगा बी स्क्वायर, तो बीच वाला जो पद होगा ये टू ए बी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर टू के स्थान पर वन है, तो इसमें हम एक काम करते हैं कि अगर एक जोड़ के एक घटा देंगे तो हमें जो चाहिए वह नहीं मिलेगा। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें तीन जोड़ते हैं और दो घटाते हैं तो कुल मिलाकर के हमें एक मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रूपांतरित होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर माइनस का उपयोग करेंगे, माइनस टू इंटू ए इंटू बी और फिर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये वाला और ये माइनस टू था तो प्लस टू हमें करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये हमें x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर दे रहा है, होल स्क्वायर दे रहा है, तो हमें मिल जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर डी एक्स और ये प्लस थ्री है तो थ्री को आप रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इस स्थिति में हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और हर में जो राशि है उसे हम टी मानेंगे, तो इसका अवकलन करने पर अंश में जो पद है वो हमें प्राप्त होगा। ये इसीलिए आवश्यक था कि यहाँ पर हम माइनस ले आएँ, माइनस लेने से ये बीच में जो माइनस वाला पद है इसको लेने से इस पद का अवकलन हमें ये मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि माना एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन आ जाएगा एक ऋण एक बटे एक्स, तो ये कुल मिलाकर के एक्स का पावर माइनस वन है तो माइनस और माइनस प्लस और एक्स का पावर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी, अर्थात आपको मिल रहा है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए ये अंश में जो पद है वो हमें मिल चुका है कुछ इस तरीके से, जिसे हम प्रतिस्थापन का उपयोग करके डी टी लिख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा डी टी अपॉन, इसकी जगह हमने टी रखा है तो ये हमको मिल गया टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। ये इस फार्मूले को बिलोंग करता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दैट इज़ वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए से, इसका उपयोग करके हम इसको डायरेक्टली इसका समाकलन लिख सकते हैं, तो वन अपॉन ए तो वन बाई रूट थ्री फिर tan इनवर्स x अपॉन a, x के स्थान पर है t और a के स्थान पर है रूट थ्री और प्लस c लिख सकते हैं जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो जो दिया गया फलन है इसका समाकलन अर्थात x इंटीग्रेशन साइन x स्क्वायर प्लस वन
अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स टी के स्थान पर हम ये मान रख देंगे x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन रूट 3 प्लस सी, या फिर आप लिख सकते हैं 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3 इंटू एक्स प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इसका समाकलन हमें करना है। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है आई, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के सापेक्ष हमें करना होगा। तो डी थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए हमें, या इस प्रश्न को सरल करने के लिए हमें अंश व हर में कॉस का पावर 4 थीटा से भाग देना होगा। तो हम लिखेंगे कि अंश व हर में कॉस का पावर 4 थीटा से भाग देने पर, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा डी थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक का पावर 4 थीटा डी थीटा अपॉन, इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा टेन का पावर 4 थीटा प्लस 1। अब सेक का पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टेन का पावर 4 थीटा प्लस 1। अब ये सेक स्क्वायर थीटा है उसके स्थान पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिका से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टेन का पावर 4 थीटा प्लस 1। चूँकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और टेन थीटा को हम एक्स लेकर के चलेंगे। माना कि टेन थीटा इक्वल टू एक्स, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। तो ये जो पद है ये कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपको मिल जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए अंश व हर में, अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, हर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। जब 2 जोड़ेंगे, 2 घटा रहे हैं फिर 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पद है ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर देगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, यह है x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और फिर ये dx। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप ध्यान से देखें तो ये कि यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स है, इस पूरे पद को यदि आप t मान लें तो इसके अवकलन करने पर आपको अंश वाला पद प्राप्त होगा। अर्थात फिर से प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। माना कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 और इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और फिर यह dx इक्वल टू डी टी। तो ये जो दिया गया फलन है वो कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा
आई इक्वल टू, ये हम आई इक्वल टू ही सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अंश में जो पद है ये आपको मिल रहा है डी टी, और यहाँ पर हर में जो पद है ये है टी का स्क्वायर और फिर ये रूट टू का स्क्वायर। तो ये डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इस फार्मूले को बिलोंग करता है। तो डायरेक्टली हम इसका समाकलन लिख सकते हैं, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। अब हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया है उस प्रतिस्थापन को पुनः मूल रूप में रख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा वन बाई रूट टू टेन इनवर्स टी बाई रूट टू और टी के स्थान पर ये है। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टू इंटू एक्स प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। तो अभी तक हमने ये सॉल्व किया है और जो मूल समीकरण दिया गया है ये थीटा के पदों में है और ये एक्स के पदों में है। तो यहाँ पर हमने ये जो टेन थीटा इक्वल टू एक्स लिया है तो एक्स के स्थान पर पुनः हमें टेन थीटा रखना होगा और फिर जो मान हमें मिल जाएगा वो इस दिए गए फलन का समाकलन होगा। तो अल्टीमेटली आई इक्वल टू वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो मिल जाएगा टेन स्क्वायर, अब लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन रूट टू, एक्स के स्थान पर आप लिखेंगे टेन थीटा प्लस सी। तो ये जो फलन हमें मिल रहा है ये दिए गए फलन का समाकलन है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस दिए गए फलन का हमें समाकलन करना है। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है i, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें हम एक बटे दो का गुणा कर देते हैं या दो का गुणा कर देते हैं और दो का भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब टू एक्स स्क्वायर है तो उसे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और यदि चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर डी एक्स। अब ये जो फलन है या अंश में जो पद है वो दो अलग अलग पदों के योग के रूप में आ चुका है, दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो ये प्रश्न जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसको हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था और उसका उत्तर हमें मिला था, ये वन बाई टू प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है और ये जो इंटीग्रेशन साइन है इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट थ्री इंटू एक्स। और यह मान करके चलते हैं कि अगला जो फलन है ये आई टू है, तो मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है। अब आई टू को पहले सरल करेंगे फिर इस समीकरण एक में उसका मान रख देंगे। तो आई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इस प्रश्न में भी हम एक्स स्क्वायर से अंश को और हर को भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। और हर को यदि आप पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो ये है अंश में वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर अंश में माइनस वाला टर्म आ रहा है तो हर में हमें ऐसा पद निकालना होगा जो कि दो पदों के वर्ग के रूप में जिसे हम लिख सकें। तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन।
देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हमें टू चाहिए होगा, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और बीच में टू ए बी, तो यहाँ पर टू नहीं था तो हमने उसको ऐड कर दिया, तो एक सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हर में जो राशि दी गई है उसे हम टी मानेंगे। माना कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा ऋण एक बटे एक्स स्क्वायर, तो ये डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा जो आई टू है, आई टू ये परिवर्तित हो चुका है डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन के फॉर्म में, और ये जिस फॉर्मूले को बिलोंग करता है उससे यदि सरल करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई टू लॉग ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। अब जो मान है टी का मान वो हम इसमें रख देते हैं, तो मिल जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, और सरल करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। तो ये मान हमें मिल चुका है आई टू का, मान लेते हैं कि समीकरण दो है। तो समीकरण एक में मान रखने पर आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू वन बाई टू रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी लिख सकते हैं, जहाँ पर सी समाकल नियतांक है। देखिए यहाँ पर वन बाई टू पहले से था और हमने जो सरल किया उसमें वन बाई टू आया है, तो ये वन बाई टू ना होकर के ये वन बाई फोर हो जाएगा। तो ये जो पद हमें मिला है ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है स्क्वायर रूट ओवर टेन एक्स, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो माना कि टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, और यहाँ से यदि आपको डी एक्स निकालना हो तो आप लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आपको मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं टी का पावर फोर, तो ये आपको मिल जाएगा टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी का पावर फोर। अब माना कि दिए गए फलन का समाकलन आई है, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर टेन एक्स और फिर डी एक्स, तो टेन एक्स का के स्थान पर यदि आप टी स्क्वायर रखेंगे और उसमें वर्गमूल है तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा टी, और डी एक्स के स्थान पर हमको ये लिखना होगा टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी का पावर फोर। तो इस तरीके से ये हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का पावर फोर डी टी। इस प्रकार के प्रश्न हम हल कर चुके हैं जहाँ पर हमें टी स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, पहला टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन ऐसा कर देते हैं, और फिर अपॉन वन प्लस टी का पावर फोर डी टी, दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी का पावर फोर डी टी प्लस इंटीग्रेशन साइन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का पावर फोर डी टी। तो माना कि ये आई वन प्लस आई टू है और इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब एक और दो को अलग अलग हल करेंगे और फिर इस समीकरण में उसका मान रख देंगे। तो आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी का पावर फोर डी टी। इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए हम अंश और हर को टी स्क्वायर से भाग देंगे। जब टी स्क्वायर से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और फिर डी टी।
तो अंश में यदि पद को, अंश में यदि दो पदों के बीच में धन चिन्ह है तो नीचे वाला जो पद हम लाएंगे वो ऋण चिन्ह के साथ में होगा, अर्थात नीचे में जो हम वर्ग बनाने वाले हैं उसमें ऋण वाला पद आना चाहिए। तो इसे हम करेंगे 1+1 बाई टी का स्क्वायर डी टी अपॉन, इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 × t × 1/t। तो ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमने इसमें 2 ऐड किया है, तो हमें 2 सब्सट्रैक्ट किया है तो हमें 2 ऐड करना होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये 1+1/t² dt है, और फिर हर में जो पद है ये t − 1/t² है, और फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 को हम √2² लिख सकते हैं। अब इसके लिए हमें प्रतिस्थापन का उपयोग करना होगा। माना कि t − 1/t = u, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1+1/t² dt = du। तो अंश में जो पद है उसको आप du से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन साइन du अपॉन ये आपका है u² प्लस फिर √2² ये जो हमें समस्या दिखाई दे रही है ये है इंटीग्रेशन dx/x² + a² = 1/a tan−1 x/a, उस फार्मूले को बिलोंग करता है। तो 1/a ये मिल गया tan−1 x/a, x के स्थान पर u है और a के स्थान पर 2 है। हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1√2 tan−1 u के स्थान पर t − 1/t √2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1√2 tan−1 t²−1/√2 × t। अब फिर टी हमने माना था tan x = t², तो t = मिल जाएगा √tan x। तो आगे हम इसे लिखेंगे i1 = 1√2 tan−1 t² अर्थात tan x, फिर −1/√2 t, और t के स्थान पर हमको लिखना होगा √√2 √ √tan x। तो ये हमें i1 का मान मिल चुका है, मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। अब यहाँ से ये जो दूसरा पद हमें दिखाई दे रहा है इसे i2 हमने माना है, और इसको हमें पहले सरल करना होगा। i2 = ∫t²−1/1+t⁴ dt। इसमें हमें अंश और हर को t² से भाग देना होगा, तो ये हमें मिल जाएगा 1−1/t² / 1/t²+t²dt। अंश में देखिए इन दोनों पदों के बीच में ऋण चिन्ह है, तो नीचे में जो हम वर्ग लेकर के आएंगे वर्ग वाला पद वो धनात्मक होना चाहिए, अर्थात बीच दो पदों का योग के वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सरल करने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/1+t²dt। नीचे में हमें हर में दो पदों के योग के रूप में चाहिए, तो ये है 1/t² + 2 × 1/t × t। तो ये मिल गया 2 को हमने ऐड किया है तो हमें 2 को सब्सट्रैक्ट करना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पद है ये 1/t + t² देगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 1−1/t²dt / t+1/t − इसे हम √2² लिख सकते हैं। अब अंश हर में ये जो पद दिखाई दे रहा है इसका अवकलन करने पर आपको ये पद प्राप्त होगा, अतः यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना t + 1/t = v। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1−1/t² dt = dv। अब देखिए अंश में जो पद है उसे हम dv से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन dv अपॉन, यहाँ पर ये स्क्वायर है, अपॉन v² − √2² तो बेसिकली ये उस फार्मूले को बिलोंग कर रहा है जहाँ पर हम लिखते हैं dx/x² − a², ये इक्वल टू आपको मिलता है 1/2a log ऑफ
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसका हम उपयोग करेंगे 1/2a, 2a ए के स्थान पर है रूट टू, फिर लॉग के साथ में है x माइनस ए, एक्स के स्थान पर है यहाँ पर v और a के स्थान पर है रूट टू, तो ये मिल जाएगा v माइनस रूट टू अपॉन v प्लस रूट टू। अब हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं पुनः, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 रूट टू लॉग v के स्थान पर t प्लस 1/t माइनस रूट टू अपॉन t प्लस 1/t प्लस रूट टू। आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 रूट टू लॉग टी स्क्वायर माइनस रूट टू टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट टू टी प्लस 1। अब हमने वहाँ पर टेन एक्स को t माना था, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 रूट टू लॉग ऑफ टी स्क्वायर अर्थात टेन एक्स माइनस रूट टू टी और टी के स्थान पर हमें मिलेगा रूट टेन एक्स, फिर ये प्लस 1, फिर अगेन ये टेन एक्स प्लस रूट टू टेन एक्स प्लस 1। मान लेते हैं कि समीकरण 3 है और ये हमें आई टू के बराबर मिला है। तो समीकरण 1 में आई 1 व आई टू का मान रखने पर आई इक्वल टू आई वन, आई वन मिला है 1/√2 टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट टू टेन एक्स, और आई टू का मान मिला है 1/√2 लॉग ऑफ टेन एक्स माइनस रूट टू टेन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स प्लस रूट टू टेन एक्स प्लस 1। और आप सी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। और यदि इसे आप सरल करना चाहें तो दोनों पदों से वर्ग 1/√2 आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो 1/√2 फिर यह है टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2 टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग टेन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 टेन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 टेन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।